डिफरेंशिएट, तो वहां पर तुम्हारा स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो हम लोग इतना सारा कोर्स वगैरह कराते हैं, अभी एक्सेल का हम लोग डाल रखे हैं, अभी एआई का कोर्स होगा, तो ये सब सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस प्राणित बोलो। सर कल सुबह की क्लास जो है 5 घंटे कल सुबह का वाली, बात हम लोग करेंगे 8 बजे, ठीक है? अभी थोड़ा, अभी 1.5 घंटा एकदम फोकस से पढ़ेंगे। नहीं सर उसमें करेंगे क्या क्वेश्चंस? पहले आज जहाँ खत्म कराएंगे, कल वहीं से चालू करेंगे। चलो, ये सब सब हो गया था। हाँ लिखो, गारंटीड एनविटी। गारंटीड एनविटी, प्रेजेंट वैल्यू, एक चीज हमेशा अपने मन से हटा देना कि अगर हम ये कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। कुछ भी कर लेने से सेट नहीं हो जाता है, ये बहुत गंदा चीज है। मतलब तुमको ओवर टाइम हर दिन इवॉल्व होना पड़ेगा। एवरी डे यू नीड टू इवॉल्व, समझ रहे? अभी तुम लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग बन जाएगा, फिर जब तुम बन जाएगा उसके बाद तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब उसमें भी दो टाइप का कैटेगरी है, तुम देखो ना। अब जो एकदम फेलो बन गया, अब उसको कोई अपडेट ही नहीं इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, हाउ इज द इंडस्ट्री इवॉल्विंग, ठीक है? अब एडुकेशन में मेरे लिए ले लो, आज मान लो एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं चला तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, तो मेरे को ओवर टाइम इवॉल्व होना पड़ेगा। माई मेन जॉब इज टीचिंग, तो एवरी डे यू नीड टू इवॉल्व, इट्स नॉट समथिंग इज सेट। अभी एआई आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी देखो एआई है, हर जगह पे एआई है, सो यू नीड टू बी अपडेटेड विद दैट। अब देखो मेरे टाइम पे आर नहीं था, तो मेरे को आर नहीं आता है, फैक्ट इज मेरे को आर नहीं आता, बट तुम लोग सबको आता है। यू नीड टू स्टे अपडेटेड विद द ट्रेंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तुमको अपने पे बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड स्टडीज इज समथिंग जो कभी रुकता नहीं है, ग्रोथ कभी नहीं रुकता है। ग्रोथ के लिए तुमको अपने पे बहुत वर्क करना पड़ता है। आज भी तुम 10 घंटा खट रहे, तुम 10 साल बाद भी तुम 10 से ज्यादा 12 घंटा खटेगा उस समय, तो ये तुम लाइफ टाइम खटता है, ये ऐसा होता है, ठीक है? नथिंग गेट सेट। आओ चलो, तो गारंटीड का मतलब क्या है? अगर आप एन के पहले मर जाते हो तो मिनिमम आपको एन पेमेंट्स मिलेंगे, और अगर आप एन के बाद मरते हो तो जितना आप जियोगे उतना मिलेगा। मतलब फर्स्ट एन पेमेंट्स इज गारंटीड, चाहे आप एन के पहले मरो चाहे आप एन के बाद मरो, उसके बाद आप जितना जियोगे उतना मिलेगा, ठीक है? और एड यू मैक्सिमम के एक्स प्लस वन कॉमा एन, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू समेशन के रन फ्रॉम 0 to n-1, एड यू एन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज के प्लस समेशन के रन फ्रॉम एन टू इंफिनिटी, एड यू के प्लस वन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज के। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? एड यू एन बाहर, प्रोबेबिलिटी के एक्स इज लेस देन एन प्लस बैठाओ वैल्यूज, एड यू एन प्लस वन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज एन, क्योंकि एन पे एन प्लस वन पेमेंट होगा,
फिर प्लस ए ड्यू एन प्लस टू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज एन प्लस वन प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको तोड़ेंगे कैसे, ध्यान देना। ए ड्यू एन एन क्यू एक्स ठीक है, प्लस इसको तोड़ रहे हैं ए ड्यू एन प्लस वी टू द पावर एन के एक्स इज एन, प्लस इसको तोड़ेंगे ए ड्यू एन प्लस वी टू द पावर एन प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज एन प्लस वन प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली क्या आएगा, ए डी यू एन एन क्यू एक्स सब में से आ जाएगा ए डी यू एन कॉमन, प्रोबेबिलिटी के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वी टू द पावर एन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो ए डी यू एन ब्रैकेट में आएगा एन क्यू एक्स प्लस एन पी एक्स प्लस वी टू द पावर एन एन पी एक्स प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन पी एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब देखो अपना फॉर्मूला में क्या बन के आ रहा है, ए डी यू एन ये सर्टेन वाला हो गया प्लस वी टू द पावर एन एन पी एक्स प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन पी एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ए डी यू एक्स एन बार, दिस बार डिनोट्स गारंटीड, ए के माथा पे जब बार होता है दैट इज कंटिन्यूअस, यहां पर एक्स एन के ऊपर बार है, दिस डिनोट्स गारंटीड कि पहला एंड पेमेंट्स गारंटीड है। हाँ तुम पूछ। हाँ आपने ब्रेकअप किए ना, ये रहा देखो यहाँ पर के एक्स एन है फिर एन प्लस वन ऐसे करके जा रहा है, तो ये एक टर्म बन गया ये एक टर्म बन गया। इसको अलग से टर्म क्यों बनाए, क्योंकि ये यहाँ पर एडअप होगा, ए डी यू एन यहाँ पर एडअप हो रहा है तो एन क्यू एक्स और एन पी एक्स आ रहा है, अपने को तो ये दिखाना। हाँ क्योंकि के एक्स इज एन एन प्लस वन एन प्लस टू डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। वी टू दी पावर एन सब में से कॉमन आएगा ना, अपने ये देखो यहां से यहां तक, पहले देखो यहां से लेके एंड तक देखो, ए डी एन सब में से कॉमन लेगा तो क्या बनेगा, के एक्स इज एन एन प्लस वन एन प्लस टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा ना, एन से ज्यादा एन या फिर उससे ज्यादा तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन। सेम थिंग कैन अप्लाई फॉर वी टू दी पावर एन, अगर तुम एक बार इसको सोच नहीं पा रहे हम सोचवा दे रहे तुमको, वी टू दी पावर एन जो है उसके अंदर में क्या बच रहा है, अगर तुम वी टू दी पावर एन कॉमन लेगा तो एन प्लस के एक्स इज वॉट एन प्लस वन प्लस के एक्स इज वॉट एन प्लस टू प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी ना, सो दिस इज वॉट प्रोबेबिलिटी के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है अब कॉपी कर लीजिए इसको नीचे, मतलब ऐसे। वाह ये क्या हो गया भैया, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या, हम लोग बहुत आगे का सोच लेते हैं, हम लोग सोचते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद का, आज का सोचो पहले, अभी खाली CM1 और CB1 अगर लिया तो खाली उसका सोचो, बस रास्ता अपने आप बनते जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। 10 साल बाद तुम जिंदा रहेगा कि नहीं यही नहीं पता, सच बता रहे, बुरा मानने वाला बात नहीं है भाई, आज का सोचो, एक एक दिन का सोचो पहले, आज क्या करना है उसका सोचो, तुम प्लानिंग कर रहे 5 साल बाद, ना ऐसे नहीं होता भाई। प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत हो गया,
अब काम करो। ऊपर हाँ अर्षिता बोलो। सर, जो आपने ADU N+1 को ब्रेक किया, ADU एन प्लस वन, हाँ ADU एन प्लस वन सर, को ब्रेक होगा। हाँ बोलो। ठीक है तो ब्रेक किया है, जो कोई एक्सप्लेन करना कैसे किया आपने? ADU एन प्लस वन है ना, ये वाला पहले कॉपी हो गया आपका सारा, यस सर, यहां तक पूरा हो गया सबका? बोलो। वो ब्रेकअप मांग रही है, देखो ध्यान देना। ADU एन प्लस वन इज वॉट? वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर वी क्यूब प्लस डॉट 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 वी टू द पावर एन। तो वन प्लस वी प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी टू द पावर एन माइनस वन, ये क्या है? ADU एन और यहां पर एक वी टू द पावर एन अलग से आ रहा है, कॉपी कर लो इसको। ये कोर्स अगर तुम लोग अच्छे से कर लिया तो इस कोर्स में 5 साल 10 साल बाद फ्यूचर हो नहीं हो, तुम्हारे लिए कोई भी कोर्स आसान हो जाएगा। मैंने यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स, यू टॉक अबाउट बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, कोई भी फील्ड में, क्वांट्स, कुछ भी तुम कर सकते हैं। तुम्हारा हर एक चीज में बेस बना देगा, हर एक चीज में। यू गो फॉर एन MBA, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पूरा कवर्ड रहेगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। जो भी तुम कुछ इसमें पढ़ा, एवरीथिंग इज कवर्ड एक्सेप्ट मार्केटिंग एंड सेल्स, तुमको इसमें सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बोल बहन। ठीक है तेरा तो हो गया टाइम टाइम फीस आज का, तू सोच रही है डांडिया ही बढ़िया था। तो चश्मा बनाने का कब प्लान है? लेंस काट वो वाला घर से लेके आई थी क्या? बढ़िया, चश्मा का दाम इतना बढ़ गया भाई, मतलब ऐसा लगता है हीरा मोती बेच रहा है। सीरियसली मतलब ठीक है, ये लग गया। क्या क्या किया अभी हम लोग? गारंटीड एनविटी एडवांस, राइट? तो अपना यही आ रहा है क्या? अपना फाइनल क्या आया था इसमें? ये आया था ना, तो इसको अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट ADU एक्स एन एस ए बार इज ADU एन प्लस एन डेफर्ड ए ड्यू एक्स, मैंने NES के लिए डेफर्ड एनविटी, विच इज ADU एन प्लस वी टू द पावर एन एन पी एक्स ADU एक्स प्लस एन। अब अगर अरियर्स वाली केस हम लोग को करनी है तो प्रेजेंट वाली रैंडम वेरिएबल क्या होगा बताइए? के एक्स लेस देन एन के केस में क्या होगा, सोच के बताओ। ए एन के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन में क्या होगा? ए के एक्स। ईपीवी इज व्हाट? समेशन के रन्स फ्रॉम 0 to n-1 ए एन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज के प्लस समेशन के रन्स फ्रॉम एन टू इंफिनिटी ए के इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज के। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, ए एन आएगा बाहर, प्रोबेबिलिटी के एक्स इज लेस देन एन प्लस ए एन इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज एन प्लस ए एन प्लस वन इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। अब ए एन इंटू एन क्यू एक्स आ रहा है प्लस, लॉन्ग कट से कर रहे हैं देखो,
एन इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज इक्वल टू एन. अब मैं नीचे नीचे लिखता हूँ, तुम लोग को बेटर समझ में आएगा. ए एन प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन प्रोबेबिलिटी के एक्स इज एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन प्लस वी टू द पावर एन प्लस टू एक मिनट एडमिशन है, एक जन बैंक डिटेल मांग रहा है. एक मिनट तुम लोग करो, रिवाइज करो, ऊपर कर देगा. ठीक है, लो डिस्टर्ब नहीं करो, गलत बैंक डिटेल चला जाएगा तो पैसा नहीं आएगा बैंक. क्या अच्छा ठीक है, चलो अभी मूड अच्छा है तो कर देता हूँ. सर थोड़ा ऊपर से, अभी ऊपर ही. मैंने ऊपर मतलब क्या भाई, अप. हाँ मैं किस ऊपर, ऊपर मतलब अप. आप मतलब पहले का कंटेंट की पहले पहले, पहले का पहले. थोड़ा ऊपर और Swati, what is this? You're using phone in the class. Absolutely nonsense. Excuse me, sir. हाँ. इसमें भी हम a n को उसी तरह break करेंगे जैसे हमने a d n को किया. a n को break नहीं करेंगे ना, क्योंकि a n तो अपने को चाहिए सबसे common. ए एन प्लस वन को ब्रेक करेंगे ए एन प्लस वी टू दी पावर एन प्लस वन, जैसा मैंने किया है. ये कॉपी हो गया क्या, ये वाला? नहीं सर, एक मिनट. यस प्राणित सर, गारंटीड एनुइटी है क्या? गारंटीड एनुइटी का मतलब होता है कि पहला एन ईयर्स आपको गारंटीड पेमेंट मिलेगा, उस पे आपका लाइफ और डेथ डिपेंड नहीं कर रहा है. मैंने आपके लाइफ और डेथ पे वो पेमेंट डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड उसके बाद जितना भी पेमेंट्स होगा वो तभी मिलेगा अगर आप जिंदा हो तो. ठीक है सर. वो अला और नीचे कर दें, मतलब ये ऊपर वाला कॉपी करेगा नीचे वाला? अच्छा लो भाई, ऊपर वाला एक मिनट, ये कंप्लीट नहीं है. ऊपर वाला कॉपी हो गया क्या? ये वाला, ये वाला. ए तुम बताओ, इसमें आप बताओ कॉमन कैसे कैसे लेंगे. ए एन एन क्यू एक्स तो ठीक है, प्लस अब बताओ ए एन सब में से कॉमन आएगा तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी. मोर देन की मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू एन, फिर क्या आएगा? एक्सीलेंट. तो अब क्या हो जाएगा, ए एन आ जाएगा. तो ए एन एन क्यू एक्स एन पी एक्स प्लस वी टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन पी एक्स वी टू द पावर एन प्लस टू पी एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी.
एक्स एन और ऐसे बार। अरे तुम लोगों का कॉलेज का छुट्टी कितना तारीख को हो रहा है? झूठ मत बोलना। 27 तो भाई वैसे भी छुट्टी है, संडे है, तो शनिवार को कॉलेज कितना बजे तक है? सैटरडे किसका कॉलेज है, हाथ उठाओ। टाइम कैसे पढ़ाएंगे बताओ तो, दो दो घंटा में कैसे होगा? तुम लोग एक सम करने में एक घंटा लगा देगा। एक दो दिन तो 4 बजे आओ, ऐसे होगा नहीं, नहीं तो मतलब बहुत दिक्कत, दो सम बनेगा पता है 2 घंटा में, इतना बड़ा बड़ा सम्स है। वेडनेसडे चेक करो ना एक बार, वेडनेसडे थोड़ा एडजस्ट करो यार, एक दो दिन नहीं मतलब ऐसे नहीं, देखो सब लोग को आना पड़ेगा, एक दिन तो फिक्स करो एटलीस्ट वेडनेसडे। तो 2 दिन बोल रहे हैं ना मम्मी, भाई सीबी मन वाले लोग तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग का तो वैसे भी 2 बजे से क्लास अनाउंस्ड है, तो सीबी मन वाले लोग तो मुंह ही मत खोलो, मेरे को कन्विंस करना है खाली सीएम वन ओनली वाला लोग को। 2 दिन आओ यार एटलीस्ट, ठीक है 2 दिन हम बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायस हो जाएगा, ऐसे हम बताएंगे 2 दिन, ठीक है? तो मैंने बोलने का मतलब ये है कि जैसे 2 दिन मैं कराया जी, समझो जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो कम होना चाहिए, जो सम वाला क्लास है ना वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। आज जैसे मेरे को एनुइटीज कराना था, इसको कराने के लिए बेसिक 3-3.5 घंटे का टाइम चाहिए, तो जैसे थर्ड डे शुड बी अ लॉन्ग क्लास, ठीक है, फोर्थ डे कैन बी अ शॉर्ट क्लास, संडे यू विल हैव अ लॉन्ग क्लास, ठीक है, क्योंकि संडे को मैं और कुछ नहीं रखूंगा, एंड एक फ्राइडे दैट आई कैन स्विच, मतलब सैटरडे इफ यू से, सो फ्राइडे वेंसडे 2 दिन एडजस्ट करो, जस्ट 2-3 पीरियड थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि फिर क्या है, क्योंकि सबको आना पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट कि हम नहीं आएंगे, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम नहीं, फिर तो मैं 6-8 ही कराऊंगा, बट 2 दिन एटलीस्ट तुम लोग आओ, उसके बाद फिर तुम लोग को टाइम मिलेगा कॉलेज अटेंड करने का, नवंबर पूरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, नवंबर कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन 19 से लेके 23 हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है? तो 2 दिन आओ, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ईवीएस हफ्ते में एक दिन होता है ना, हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ईवीएस हाँ ये तो है, ठीक है रिकॉर्ड देखता हूँ, ईवीएस का जेन्युइन प्रॉब्लम है, ईवीएस हफ्ते में एक दिन, वेंसडे, तुम लोग सब अलग अलग कॉलेज से, ओह हाँ ये अलग अलग ईवीएस है, ठीक है चलो देखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, no problem, I'll see, see to it, ये बोल रही है बस नहीं छोड़ेगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं करता है, ना ना ना, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, इतना मेरे से, चलो
एक्स एन बार, सो दिस इज वॉट ए एन प्लस सुनो ए एन प्लस वी टू द पावर एन एन पी एक्स ए एक्स प्लस एन, ठीक है ना? ये लग हुआ, चलो अब हेडिंग लगाना वेरिएंस। कोई घर मत चला जाना 27 तारीख के पहले, 27 तारीख को 6 बजे के बाद जाना, घर जाना है तो। कितना बजे? क्या तुम्हारा संडे को भी दिक्कत है? कितना बजे का? पांच बजे का है ना, तो कितना बजे निकलना पड़ेगा तुम लोगों? 3? हाँ ठीक है, 3 बजे तक ना, संडे को 3 बजे तक ना। हाँ ठीक है, तो फिर सुबह आना पड़ेगा, मतलब 9 से 3। मैं टाइम अभी बता दे रहा हूँ। और ठीक है, मंडे टू सैटरडे लेट्स डू 6 to 8 ओनली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, संडे मैंने ये नहीं, 27 तारीख को। ठीक है ठीक है, ये बोल तो दिया, और क्या डैशबोर्ड पे क्या डालना है? रियाद क्या रखना है? 21 से 26, अभी तो गया और अभी मैं आया। 21 से 26, 6 से 8, और संडे को 9 से 3। ठीक है, तो फिर जो भी मैं कोई, हाँ वीक में जो दो तुम लोग आओगे नहीं, तो फिर संडे को करा दूंगा, हो जाएगा। संडे को सम्स करा देंगे। हाँ लास्ट ना बोलो यार ऐसे, दिल तेरा तक का ना, मंगलवार तक डल जाएगा, 14 तारीख से ऑफिस चालू हो रहा है। अभी वहां दुर्गा पूजा का छुट्टी है एक्चुअली, इसीलिए ये हम लोग का फ्रेंड, मैंने समझ लिया, यहाँ पर मेन काम नहीं होता है। हाँ हाँ, वहाँ पूरा टीम बैठते हैं ना, मतलब वहाँ 50 जन पूरा बैठते हैं, वो लोग सब अलग अलग काम करते हैं, हर जगह पे कैसे फैलाएंगे? हेड ऑफिस तो एक ही होगा ना। कहाँ कहाँ खोले बता? नोएडा नहीं हो पाएगा यार, कॉलेज जहाँ वहां मैं। हाँ 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 क्या? अरे हो जाएगा मेरा मैनेज यार। ADU वेरिएंस ऑफ ADU मैक्स, अब इसको देखो, इसमें बहुत दिक्कत है भैया। ठीक है, सो 1/d² वेरिएंस ऑफ v टू द पावर मैक्सिमम kx प्लस 1, n। बहुत दिक्कत है इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? kx प्लस 1 तो है, कैसे सॉल्व करेंगे?
स्वाति तुम अभी तुम्हारा हाथ में क्या दिखाओ फटाफट, तू वाला हाथ में फोन है, डेस्क पे फोन है उसके पक्का? अब तुम इसका आंसर बताओ बस, ये लो कॉपी हो गया क्या? इसका आंसर बताइए आप स्वाति जी। तुम एडमिशन के टाइम पे तो स्वाति बोली थी। हाँ नेहा जिंदल ना, अरे एक दिन तुम्हारी तरह भी लगती है बिल्कुल। ठीक है चलो नेहा बताओ। करना नहीं है इसको, क्योंकि ये तो हम लोग कर लिए जब हम लोग वो किए थे डेफर्ड, तो डेफर्ड में जो ए जो किए थे ना ए, देखो सेम यही आया था, सेम एज डेफर्ड, ठीक है देख लो आराम से, सेम था। अब एडवांस वाला केस, तो एडवांस सॉरी ये एडवांस था, सॉरी अरियर्स 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 अरियर्स, ये एडवांस वाला है, गारंटीड एन्युइटी पेड इन एडवांस का वेरिएंस का है ये, तू लिखा नहीं क्या हेडिंग? क्या मल्टीप्लाई करेंगे कोई बताएगा? वी वी से, वेरी गुड। एक मिनट रुको, दोबारा से कर दे अच्छे से। वन बाय आई वी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वी टू द पावर मैक्सिमम ये भी हमने कर रखा है। ठीक है नेक्स्ट राइट द हेडिंग कम्यूटेशन, येलो कॉपी हो गया क्या? नहीं नहीं ऐसे ही है, वेरिएंस का कोई लॉजिक नहीं है। कम्यूटेशन फंक्शन फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर, देखो AM92 में ना, AM92 के टेबल में जाना देखना, थोड़ा आगे पेज पलटाओगे ना, एक डीएक्स बोल के होगा कैपिटल डीएक्स, इसका है वी टू द पावर एक्स एल एक्स, तो डीएक्स प्लस एन क्या हो जाएगा? वी टू द पावर एक्स प्लस एन एल एक्स प्लस एन, और ये खाली 4% के लिए वैलिड है। तो अगर मैं निकालता हूं डी एक्स प्लस एन बाई डी एक्स विच इज वी टू द पावर एक्स प्लस एन एल एक्स प्लस एन बाई वी टू द पावर एक्स एल एक्स, अपना कैलकुलेशन को इजी करता है।
So this is nothing but v to the power n npx. Commutation function for discounting factor only valid for 4%. Kitna page number pe hai? 84. और पन्ना खत्म हो गया, पहले कॉपी करो। कम्यूटेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जैसे पहले पेंशन फंड था सिलेबस में, तो इससे क्या होता है अपना कैलकुलेशन इजी होता है। तो एक कम्यूटेशन फंक्शन खाली हम लोग को पढ़ना है अभी, विच इज dx, dx कैपिटल dx इज v टू दी पावर x lx, इसका कोई मतलब नहीं है। तो dx plus n क्या हो जाएगा, v टू दी पावर x plus n lx plus n, ये बेसिकली मल्टीप्लाइड वैल्यूज अपने को टेबल के दिए हुए हैं, अपने को इसको यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर एन ईयर्स, व्हिच इज v टू द पावर n npx। वो आएगा कैसे, dx plus n by dx। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ये तुम लोगों को दिख नहीं रहा क्या, हाँ सिंपलीफिकेशन के लिए, हाँ ये वही lx वाला l है, लाइफ वाला, ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को, नया पन्ना कॉपी हो गया क्या, फटाफट बताओ। यस प्राणित सर, कम्यूटेशन फंक्शन है क्या? कम्यूटेशन फंक्शन अपना कैलकुलेशन को इजी करता है। कौन से कैलकुलेशन, v टू द पावर n npx का। अच्छा अब जैसे देखो, मेरे को निकालना है v टू द पावर 20p40, सो दिस इज नथिंग बट d60/d40 हो गया। लेकिन ये तभी वैलिड है जब 4% पे होगा, और बहुत लोग गलती करके आएंगे 6% पे निकाल देंगे इसको, बट ये खाली 4% के लिए ही वैलिड है। नॉर्मल करना है, नॉर्मल तो हो ही जाएगा। हो गया, माता तो खरा पानी पी लो डांडिया, नहीं हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स का मतलब क्या है, ऑन एवरेज कितना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, के एक्स मतलब कितना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स इज समेशन के रन्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी के इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज के, सो दिस इज व्हाट, जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज जीरो प्लस वन इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज वन प्लस टू इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज टू प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। क्या टेम्परेचर करूं मैं, 25 पे है भाई, जैकेट नहीं है तेरे पास, कहां से है तुम, है कहां से तुम, राजस्थान कहां से, जयपुर से, बढ़िया बात है। क्या यहाँ जगह कहां है, कांच है पूरा, क्या यहाँ है तो लेट है ना आज, द फोम इज न्यू बेटा, प्लीज सॉरी, इस पे दाग वाग लग जाएगा तो फिर वो ठीक है,
वो थोड़ा ग्लू का वो है, ठीक है। नहीं, ठीक है। वन इंटू प्रोबेबिलिटी के एक्स इज वन। अब देखो ब्यूटी देखो, के एक्स इज टू दो बार है, तो प्रोबेबिलिटी के एक्स इज टू प्लस प्रोबेबिलिटी के एक्स इज टू, फिर के एक्स इज थ्री कितना बार होगा? समझ गया? ऐसे भी डॉट डॉट, ऐसे भी डॉट डॉट, ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। तो एक बात बताओ, ये क्या होगा? फिर ये क्या होगा? समझ गया ना, तुम लोग गेम सीख गया भाई। इसको हम लोग बोलते हैं ईएक्स। टेबल बुक में आपको देखो ईएक्स का भी वैल्यू दिया होगा एक पेज में। मिला? कॉपी हो गया क्या? हाँ नेहा, तुम्हारा कॉपी हुआ? आज सबका कॉपी चेक होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी टी इंटू एफ टी एक्स टी डी टी। तो इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी टी इंटू टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी। आप थोड़ा अपना कॉपी का रिवाइंड करिए, टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी जो है, दिस इज व्हाट, डी डी टी ऑफ टी क्यू एक्स, सो दिस इज माइनस डी डी टी ऑफ टी पी एक्स। ये पीडीएफ है, ये सीडीएफ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, टी पी एक्स में एक्स प्लस टी की जगह मैं इसको रिप्लेस करूंगा, क्योंकि यहां पर अपना लगेगा यू इंटू वी रूल, यहां पर अपना लगेगा यू इंटू वी रूल। तो मतलब जीरो से इंफिनिटी टी इंटू डी डी टी ऑफ माइनस टी पी एक्स डी टी। तो अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेट क्या होता है, वी इंटीग्रेट होता है, और डिफरेंशिएट क्या होता है, यू। तो इसको यू लेंगे और इसको वी लेंगे, क्या आएगा बताओ? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो माइनस टी पी एक्स आ जाएगा ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वो डी डी टी ऑफ टी इज वन एंड इंटीग्रेट इसका होगा तो वो हट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी पी एक्स डी टी जीरो से इंफिनिटी। एकदम आराम से देख लो, मैं टाइम दे रहा हूं। डी डी टी ऑफ टी वन इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी ऑफ माइनस टी पी एक्स इज वॉट, माइनस टी पी एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया। पहले यहां तक देख लो आराम से, पहले यहां तक देख लो आराम से, बोलो। हाँ कल सुबह आ जाना सब लोग।
अकल टेबल बुक, कैलकुलेटर, क्लास का कॉपी एंड रिविजन नोट लेके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको अपने यहां डाल रहे हैं टीपीएक्स में, एक्स प्लस टी की जगह में। अब देखो मैं जहां जहां बोलूंगा वहीं वैल्यू पुटिंग करना, इन्फिनिटी डालो यहां पर एंड जीरो डालो टी पे, तो इन्फिनिटी पी एक्स इज जीरो एंड टी की जगह में जीरो डालेंगे तो जीरो। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है, इन्फिनिटी वाला भी जीरो हो रहा है एंड जीरो वाला भी जीरो हो रहा है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ रहा है? इसका होता है ई ऊपर नॉट एक्स। एंड ये क्या है, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेशन है अज्यूमिंग मिडिल ऑफ द ईयर डेथ्स, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ई नॉट एक्स इज इक्विवेलेंट टू ई एक्स प्लस 0.5। अगर मिडिल ऑफ द ईयर मान के चल रहे हैं कोई 10 और 11 के बीच में मर रहा है तो कितना बर्थडे मनाया, 10, जिएगा कितना, 10.5, ऑन एन एवरेज मिडिल ऑफ द ईयर डेथ मान के चल रहे हैं। क्या चीज? हाँ नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स का ये रहा, ये कर रहे थे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स का ये है। क्या चीज? जीरो नहीं हो, नॉट है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि कर्टेट का और कंप्लीट का। ठीक है बोलिए। हाँ कॉपी हुआ? नेक्स्ट पुट द हेडिंग कंटिन्यूअस एनविटीज। ये वाला हुआ सबका कॉपी? हो गया सबका? कंटिन्यूअस एनविटीज में सबसे पहले होल लाइफ एनविटी, सो ए बार एक्स है, ध्यान देना, 0 से इन्फिनिटी ए बार टी, मतलब टाइम टी तक कंटिन्यूअस पेमेंट्स आएगा क्योंकि टी पे वो मर जाएगा। जस्ट अभी हमने देखा द टी पी एक्स में एक्स प्लस टी को क्या लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ माइनस टी पी एक्स डी टी, अगेन अगेन यू इंटू वी, तो जो चीज डिफरेंशिएट हो सकता है उसको क्या करेंगे, यू, तो ये वाला डिफरेंशिएट हो सकता है और ये वी है। एक काम करते, पहले यहां तक कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, अपने पहले निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा। डी डी टी ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस डेल्टा t बाय डेल्टा, ये होता है ना ए बार टी का, 1 माइनस v टू द पावर n बाय डेल्टा। इसका डी डी टी क्या होगा बताओ तो, माइनस ऑफ माइनस डेल्टा ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा, तो दिस इज ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? कॉपी करिए। अब ट्राई करो खुद से, ट्राई करो खुद से, आप खुद से बनाओ, बहुत सारे केस कराया मैंने, खुद से ट्राई करो, आगे इसको करने का इंटीग्रेट करने का ट्राई करो, एक बन जाएगा सारा बन जाएगा, ट्राई करिए। सो यू ऊपर वाला को अगर अपने सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को तो यही आएगा है ना, क्योंकि डी डी टी ऑफ यू क्या है, ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी, एंड डी डी टी ऑफ माइनस टी पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस टी पी एक्स, तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही वैल्यू डालिए, अगेन इन्फिनिटी हम लोग यहाँ डालेंगे टी के जगह में,
एंड ये वाला जगह पे हम लोग जीरो डालेंगे। तो जैसे क्या होगा, जब इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो इन्फिनिटी पी एक्स इज वॉट जीरो, एंड जब जीरो डाल रहे हैं तो ए बार जीरो इज वॉट जीरो। तो पहले वाला पूरा हट जा रहा है, बच क्या रहा है अपना, ए बार एक्स जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टी पी एक्स डी टी। ऑब्वियस सा बात है, आपने जब लेवल एनविटी पेड कंटिन्यूअसली किए थे सर्टेन कैश फ्लोस के टाइम पे, तो अपना आंसर क्या आया था, जीरो से एन वी टू दी पार टी डी टी ना। बट यहाँ पर वी टू दी पार टी खाली नहीं होगा, वी टू दी पार टी के संग में क्या आएगा, टीपीएक्स। क्योंकि हर एक मोमेंट पे जो पेमेंट हो रहा है, अगर आप जिंदा रहोगे तो ही पेमेंट होगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी हुआ, नेक्स्ट हेडिंग लगाना टेम्पररी एनविटी। इसका जो प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल होगा, कोई गेस करो, टी एक्स लेस देन एन टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यही होगा ना। तो टी एक्स लेस देन एन में क्या होगा, ए बार टी एक्स, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, ए बार एन। टेम्पोररी टर्म सेम होता है। तो इसका जो ईपीवी आएगा वो क्या आएगा बताओ, जीरो से एन ए बार टी टीपी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी प्लस एन टू इन्फिनिटी ए बार एन एफ टी एक्स टी डी टी। क्योंकि एन के बाद में क्या होगा, आप कितना भी साल जियो बट मैक्सिमम पेमेंट्स क्या होगा, ए बार एन। एक बात बोले क्या, पहला वाला जो है ना, आपने जब ऊपर वाला किए थे तो उसमें अपना लिमिट्स था जीरो टू इन्फिनिटी, बट यहां पर क्या हो जाएगा, वही सेम चीज आएगा बट लिमिट्स क्या हो जाएगा, जीरो टू एन। तो ऊपर वाले का अपने इंटीग्रेशन है, देखते यही आएगा ना, यही सेम चीज आएगा। ये लो कॉपी हो गया क्या। तो अभी अपना क्या आएगा, बोलो क्या आएगा बताओ, ऊपर ऊपर से देखिए बताओ क्या आएगा, ए बार टी टीपी एक्स सॉरी ए बार टी माइनस टीपी एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टीपी एक्स डी टी, बट लिमिट्स क्या आ जाएगा, जीरो टू एन। एक्सीलेंट, ये अपना पहला वाला पार्ट हुआ। फिर सेकंड वाला पार्ट में ए बार एन आ जाएगा बाहर, एफ टी एक्स टी मतलब मरने का पीडीएफ, कहां से कहां के बीच में मर, एन से इंफिनिटी के बीच में मर, मतलब कहां से कहां के बीच में मत मर, जीरो टू एन के बीच में मत मर, और जीरो टू एन के बीच में नहीं मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एनपीएक्स। कॉपी कर लीजिए इसको और वैल्यू पुटिंग करिए, देखिए आपका एग्जैक्ट ऊपर की तरह सेम आंसर आएगा, बिकॉज इसका पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म कट जाएगा। आप जब एन डालोगे तो क्या आएगा, ए बार एन एनपीएक्स माइनस में, ए बार एन एनपीएक्स प्लस में है, तो अल्टीमेटली अपना फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, जीरो टू एन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टीपीएक्स डी टी, बिकॉज टर्म एनविटी है ना, जीरो से एन के बीच में जितना भी सर पेमेंट होगा, अगर आप जिंदा रहोगे तो पेमेंट मिलेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका जो नोटेशन होगा वो होगा ए एक्स एन ऊपर में ए के माथा में बार, और जब एक्स एन के ऊपर बार होता है दैट डिनोट्स व्हाट, गारंटीड एनविटी। कॉपी करिए इसको। हाँ भूमिका, सर आप एक बार कंटिन्यूअस एनविटी के पहले जाओगे क्या?
स्टार्टिंग में। हाँ बोलो। इधर पे यहाँ पे जो आप लिखे हो TPX म्यू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू DT और DY DT TQX, ये ये अभी कैसे देखो आया? मैंने यहां पर करा है, आप ध्यान नहीं दे रहे क्लास में, देखो मैंने यहां पर करा है TPX म्यू एक्स प्लस टी हमारा PDF है और ये हमारा CDF है, ये हमारा CDF है। आप जब CDF को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है PDF? TQX इज व्हाट? हाँ 1 माइनस TPX, सो TPX में x प्लस t इज व्हाट? माइनस DDT ऑफ TPX। अच्छा ठीक है, काफी। ये वाला आ रहा है। अब क्या यहीं पर रुक जाएंगे? द आंसर इज नो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना सीखे हैं ना अपन, सेम एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, अपने पास में 0 to n है तो अपने प्लस में क्या करेंगे, n टू इंफिनिटी, और माइनस में क्या करेंगे, और माइनस वाला को ठिकाना लगाएंगे तो संग संग अपना क्या कवर हो जाएगा, डेफर्ड होल लाइफ एनविटी कवर हो जाएगा। कॉपी करिए। सो n टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस डेल्टा टी TPX DT। एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था, एन टू इंफिनिटी को क्या करना है, एन टू इंफिनिटी का जो लिमिट्स है उसको क्या करना है, 0 to infinity। तो अपने क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वॉट, टी माइनस एन, सो डी वाई अपना क्या आएगा, डी टी, वेन टी इज एन वाई इज 0, वेन टी इज इंफिनिटी वाई इज इंफिनिटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, इसके ऊपर वाला भी और ऊपर ये वाला। आगे करिए मम्मी, आगे करिए। हाँ लिखने का बात नहीं, आगे सॉल्व करो उसको, पेन रुका कैसे, उसको आगे सॉल्व करिए। हो तो गया अब। क्या होगा बताओ, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस डेल्टा वाई प्लस एन, वाई प्लस एन टी एक्स डी टी डी वाई, बाहर क्या आएगा, वी टू द पावर एन एन पी एक्स, 0 से इन्फिनिटी अंदर क्या बचेगा, वी टू द पावर वाई वाई पी एक्स प्लस एन डी वाई। जो बता दिया ये क्या है, दिस इज स्मॉल ए बार, ट्राई करो एक्स प्लस एन, अभी तो किए। सो अपना आएगा वी टू द पावर एन एन पी एक्स स्मॉल ए बार एक्स प्लस एन। सो ए बार एक्स एन इज वॉट, क्या है ब्रेकअप बताइए, ए बार एक्स माइनस वी टू द पावर एन एन पी एक्स ए बार एक्स प्लस एन। नेक्स्ट, डेफर्ड होल लाइफ एनविटी। डेफर्ड होल लाइफ एनविटी कॉपी हुआ क्या? सो
डेफर्ड होल लाइफ एनविटी में अपना जो प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल है, इफ टी एक्स इज लेस देन एन क्या होगा एंड इफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन तो क्या होगा, यहां पर जीरो होगा और यहां पर होगा ए बार टी एक्स माइनस ए बार एन। और में क्या आएगा, ए बार मैक्स ऑफ टी एक्स कॉमा एन, ना गलत है, एक मिनट रुको, ये गलत है। और में क्या आएगा बताइए, वी टू दी पावर एन ए बार मैक्स ऑफ, जल्दी बताओ, टी एक्स माइनस एन कॉमा जीरो। तो लिमिट्स क्या आएगा इंटीग्रेशन में बताओ, ट्राई करो, एन टू इंफिनिटी ए बार टी माइनस ए बार एन है ना, डी डी टी ऑफ माइनस टी पी एक्स डी टी, इसको अलग अलग कर दो, एन टू इंफिनिटी ए बार टी डी डी टी ऑफ माइनस टी पी एक्स डी टी, माइनस में आएगा ए बार एन बाहर, इंटीग्रेशन एन टू इंफिनिटी डी डी टी ऑफ माइनस टीपी एक्स की जगह में लिख रहे हैं टीपी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी, हाँ ए बार एन होगा, सॉरी। ये वाला अगेन सेम तरीके से सॉल्व होगा, ए बार टी माइनस टीपी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बताओ, ई टू दी पावर माइनस डेल्टा टी टीपी एक्स डी टी, ये पूरा चीज में क्या लिमिट्स बैठेगा, इन टू माइनस ए बार एन, कहां से कहां के बीच में मर, एन टू इंफिनिटी मतलब कहां मत मर, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, अब आप डालो, आप जब टीपी एक्स की जगह में इंफिनिटी डालोगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस में एन डालोगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बी ए बार एन एन पी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टी पी एक्स डी टी माइनस ए बार एन एन पी एक्स, कटेगा, सो दिस इज इंटीग्रेशन एन टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टी पी एक्स डी टी, सो दिस इज वॉट एन डेफर्ड ए बार एक्स, हाँ श्योर, एक नोटेशन है वो रैबिट टच लगाते, रैबिट टच बोलते इसको ऐसे करके ऐसे, ठीक है, कहां से रुके बताओ, जो लोग का हो गया गारंटीड खुद से ट्राई करो, रुको नहीं, गारंटीड खुद से ट्राई करो, बनेगा, खुद से ट्राई करो बनेगा, इतना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, गारंटीड खुद से ट्राई करिए बनेगा, क्या बोला, गारंटेड खुद से ट्राई करो बनाने का, बनेगा, पूरा प्रोसेस मैंने सेट करके दिया, आप लोग ट्राई करिए खुद से बनेगा, टी एक्स लेस देन एन में होगा ए बार एन, टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन में होगा ए बार टी एक्स, फिर उसी से उसका इंटीग्रेशन बनाइए, खुद से करिए बनेगा, सोच सोच आना चाहिए,
बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे इतना सारा याद कैसे रहेगा, ये सब याद करने का दरकार नहीं, वो सोच आना पड़ेगा, फिर कुछ भी बना सकता है। कॉपी हो गया क्या पूरा ये वाला? इन दोनों का मैक्सिमम होगा, सो ए बार एक्स एन बार इज व्हाट, ए बार एन सॉरी इंटीग्रेशन जीरो से एन, ए बार एन एफ टी एक्स टी डी टी प्लस क्या आएगा बताइए, एन टू इन्फिनिटी ए बार टी एफ टी एक्स टी डी टी है कि नहीं? तो ये तो आ जाएगा ए बार एन इन टू एन क्यू एक्स, क्योंकि कहां से कहां के बीच में मर, जीरो से एन के बीच में मर, प्लस ये वाला हम लोग किए हैं क्या, ये रहा। अच्छा यहां पर अपने ये वाला किए थे ए बार टी, बट मैं कर देता हूं, मैंने मोटा मोटी बात तो वही है ना, जिसमें क्या आएगा ए बार टी इंटू माइनस डी डी टी ऑफ टी पी एक्स है ना, प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी टी पी एक्स डी टी, और लिमिट्स क्या डालेंगे एन टू इन्फिनिटी। क्या आएगा कोई बता सकता है? सो ए बार एन एन क्यू एक्स ठीक है, ए बार एन एन क्यू एक्स, इसका क्या आता है, आप इन्फिनिटी कहां डालोगे बताओ, इतना सारा कराया अब तुम लोग बताओ, इन्फिनिटी कहां डालोगे टीपी एक्स में, एन एन कहां डालोगे, ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो प्लस ए बार एन सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, ये नहीं होगा है ना, u इंटीग्रेशन v होता है ना, तो ddt तो हट जाएगा अब, ठीक है वो ddt वहां से बस हटा दो, a बार n n p x प्लस इंटीग्रेशन n टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस डेल्टा t t p x dt, तो a बार n क्या हो जाएगा एन क्यू एक्स एन पी एक्स वन प्लस एन डेफर्ड ए बार एक्स विच इज ए बार एन प्लस वी टू द पावर एन एन पी एक्स ए बार एक्स प्लस एन। पेन ये रहा दे दो उसको, हाँ
इसमें और डेफर्ड एनविटी में। हाँ नेक्स्ट पुट द हेडिंग वेरिएंस। सबसे पहले किसका करेंगे, होल लाइफ एनविटी का। तो होल लाइफ एनविटी में वेरिएंस ऑफ ए बार टी एक्स, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ वन माइनस वी टू द पावर टी एक्स बाय डेल्टा, सो दिस इज वन बाय डेल्टा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वी पावर टी एक्स, सो दिस इज वन बाय डेल्टा स्क्वायर टू ए बार एक्स माइनस ए बार एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अपने करेंगे टर्म एनविटी का। सो वेरिएंस ऑफ ए बार मिनिमम ऑफ टी एक्स कॉमा एन है ना, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ वन माइनस वी टू द पावर मिनिमम टी एक्स कॉमा एन बाय डेल्टा। सो वन बाय डेल्टा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वी टू द पावर मिनिमम मतलब क्या, एंडाउमेंट इंश्योरेंस पेड इमीडिएटली ऑन डेथ, सो टू ए बार एक्स एन माइनस ए बार एक्स एन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट डेफर्ड होल लाइफ एनविटी, सो वेरिएंस ऑफ वी टू द पावर एन ए बार मैक्सिमम ऑफ टी एक्स माइनस एन कॉमा जीरो, सो वी टू द पावर टू एन क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, एक तो डेल्टा स्क्वायर बाहर आएगा, शॉर्टकट में कर रहे हैं, वी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो v टू द पावर 2n एंड अंदर में शॉर्ट में क्या बचेगा, वेरिएंस ऑफ v टू द पावर मैक्सिमम tx कॉमा n। एक्सीलेंट, ये सोच पा रहे हैं मतलब ठीक है। अरे इमीडिएटली ऑन देते ना बेटा, tx है, kx में प्लस 1 चाहिए होता है। अब लेंगे c, v टू द पावर मैक्स ऊपर मतलब अब सी के लिए क्या बनाएंगे बताओ, कौन बताएगा मेरे को, ये लेते रहोगे ऊपर वाला कॉपी। हाँ ए तुम बताओ सी के लिए क्या बनाएंगे, टी एक्स लेस देन एन टी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो लेस देन एन में क्या बनेगा, वी टू द पावर एन। एक्सीलेंट, और यहां पर वी टू द पावर टी एक्स, सुपर्ब। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी का अगर अपने बात करते हैं तो जीरो से एन वी टू द पावर एन एफ टी एक्स टी डी टी प्लस एन टू इंफिनिटी वी टू द पावर टी एफ टी एक्स टी डी टी, ये हम लोग किए हैं क्या, दोनों कर चुके हैं। वी टू दी पावर एन आएगा बाहर, मर कहां से कहां तक, मर जीरो से एन, सो वी टू दी पावर एन एन क्यू एक्स प्लस बोलो एन डेफर्ड स्मॉल ए होगा कि कैपिटल ए होगा, ये तो बता दो, स्मॉल ए होगा कि कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए होगा क्योंकि वी है ना,
अगर स्मॉल होगा तो ए होगा, ये मैंने आपको बोला है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग चीज नहीं समझ रहे हैं। मैं बोला ना जब स्मॉल ए होगा मतलब बार बार पेमेंट होगा, जब वी होगा अब तो देखो जितना भी सारे वेरियंस है समय तो इंश्योरेंस है ना, क्यों आया, क्योंकि वी था। वी मतलब क्या, सिंगल पेमेंट, एंड एनविटी मतलब क्या, मल्टीपल पेमेंट्स, ठीक है। सो एंड एफर्ट ए बार एक्स, सो ई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी टू द पावर टू एन एन क्यू एक्स प्लस वी टू द पावर टू एन एन पी एक्स टू ए बार एक्स प्लस एन, एंड इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ई सी स्क्वायर माइनस ई सी होल स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर। इधर कॉपी हुआ ऊपर का, और ऊपर कर दें, बोलो हाँ या ना, हाँ नेक्स्ट। गारंटीड एनविटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल क्या होगा, इफ टी एक्स इज लेस देन एन तो क्या होगा, ए बार एन, इफ टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन तो क्या होगा, ये वाला, हाँ ठीक है सही है, ए बार, ठीक है बोलो, ये ऊपर वाला कॉपी हो गया क्या, हाँ बोलो, प्रीवियस स्लाइड शो करना, हाँ श्योर, गारंटी का ट्राई करो तो क्या आ रहा है, और ऊपर हर्षिता, और ऊपर नहीं नहीं सर बस यही हो गया। कॉपी हो गया क्या, यस सर, करो तो क्या आएगा, जीरो से एन ए बार एन एफ टी एक्स टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन एन टू इंफिनिटी ए बार टी एफ टी एक्स टी डी टी, यही होगा ना, तो क्या आएगा बताओ, अरे अपने को तो वेरिएंस निकालना था, एक मिनट को, ये तो अपने ईपी भी निकाल रहे हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेरिएंस कैसे निकाले बताओ, वेरिएंस ऑफ गारंटीड एनविटी ए बार मैक्स क्या होगा बोलो, टी एक्स कॉमा एन, हाँ, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ वन माइनस वी टू द पावर मैक्स टी एक्स कॉमा एन बाय डेल्टा, है ना, तो वन बाय डेल्टा स्क्वायर वेरियंस ऑफ वी टू द पावर मैक्स टी एक्स कॉमा एन, सेम हो गया, देख लो, कॉपी हो गया क्या, कॉपी हुआ,
डन, ये सब हो गया। अब तुम लोग मेरे को बताएगा AX क्या होता है, इसका एक्सपेंशन बताओ। दिस इज होल लाइफ एनविटी पेड इन अरियर्स, सो क्या होगा VPX, V² 2PX, V³ 3PX अप टू इंफिनिटी। वहीं पर ADUX क्या होगा, 1 प्लस VPX V² 2PX प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ADUX से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, AX। कॉपी करिए इसको, ADUX से अगर -0.5 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली A⁻X मिलेगा, जिसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं AX प्लस 0.5। अज्यूम कर लो कि ऑन एन एवरेज मिडिल ऑफ द ईयर देते हैं। एक एग्जांपल देखो, ये 10 है, ये 11 है और ये 10:30 है, ठीक है। 10 मतलब क्या, आप अगर एडवांस सोचते हो तो एडवांस में क्या होगा, टाइम 10 पे 11वां पेमेंट मिलेगा। सोचो कि आप 10 और 11 के बीच में मर रहे हो तो एडवांस में क्या होगा, 11 पेमेंट। उससे -0.5 करेंगे तो क्या होगा, 10:30। अज्यूमिंग मिडिल ऑफ द ईयर दे तो कंटिन्यूअस में क्या होगा, 10:30 साल पेमेंट। एंड अगर आप अरियर में पेमेंट सोचते हो तो टाइम 10 पे कितना पेमेंट होगा, 10। तो बेसिकली अरियर मतलब क्या हो गया, 10, कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, 10:30, एंड एडवांस मतलब क्या हो गया, 11, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए, छोड़ रहे, रुक। है LX अपने को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, 110 माइनस एक्स एट द रेट 4%, A2041 निकालना है। A2041 का मतलब क्या है, 20 साल का आदमी 40 साल का प्योर एंडाउमेंट लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, V⁴40, 40p 20, राइट। अपने को चार, कोई टेबल बुक फॉलो नहीं करता है, ये कोई टेबल बुक फॉलो नहीं करता क्योंकि अपने को LX दे दिया है। तो दिस इज 1.04 to the power -40 इंटू L60 बाय L40। सो दिस इज नथिंग बट 1.04 to the power -20 इंटू L60 क्या होगा, 50, एंड L40 क्या होगा, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड रुको, 40p 20 है, L60 बाय L20, L20 क्या होगा, 90। सिमिलरली ये निकालो, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये -40 है, ऊपर से ही लिखा है। 2A 2041 क्या होगा, V⁴80, 40p 20, सो 1.04 to the power -80 इंटू 50 बाय 90। नहीं बट मैं तो बोला AM92 में वो चीज वैलिड है ना, यहाँ तो ये कोई टेबल फॉलो कर ही नहीं रहे क्योंकि मैंने आपको LX का भी दे दिया और 4% भी दे दिया हमेशा। हाँ नीचे कुछ है ही नहीं, हाँ बोलेगा ना मोर्टैलिटी फॉलोज AM92 और ऊपर। उसके लिए बोल देगा ना कि AM92 टेबल्स फॉलो करता है, PMFA फॉलो करता है, ELT फॉलो करता है। कितना आ रहा पहले वाले का आंसर, कॉपी हो गया तेरा, 0.1, और ये वाले का 0 to 41। अब समझा, EPV निकाले, EPV स्क्वायर निकाले, अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, EPV स्क्वायर माइनस EPV का होल स्क्वायर। तो जितना भी सारा एनविटी एश्योरेंस के उसमें इसी तरीके से निकालेंगे, ईपीवी और ईपीवी स्क्वायर।
ठीक है, अभी हम लोग क्या किए, इनफ्लो आउटफ्लो का एक्सपेक्टेशन निकाले, अभी तक हम लोग क्या किए, इनफ्लो आउटफ्लो का एक्सपेक्टेशन निकाले और उसका वेरियंस निकाले ताकि स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल पाए कि इनफ्लो आउटफ्लो ऑन एन एवरेज कितना डिविएट कर सकता है। अब कल का जो क्लास होगा, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ठीक है, अब ध्यान सुनो, कल हम लोग मिल रहे हैं 10 बजे, ठीक है, कल हम लोग मिल रहे हैं सुबह 10 बजे, तो 10 से हम लोग देखते हैं कितना बजे तक करते हैं, 10 से 2 का मैं नहीं बोल सकता कल हम लोग, क्योंकि सम्स करेंगे तो उसमें टाइम लगता है और कल रिविजन नोट लेके आना, ठीक है, सम्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे एक सम बनाएंगे अगर एंड तक बनाएंगे तो उसमें टाइम लगता है। अब जैसे मैंने जब सॉल्व किया था तो बुकलेट जो कंटिजेंसीज का जो पहला वाला जो है वो मैं एक दिन लेके बैठा था, मेरे को 8-9 घंटे लगे थे, बट मेरे को पूरा ग्रास्प आ गया था उस पे, तो वो एक दिन लेके बैठेंगे इसको। एंड पुराना जो कराया हुआ इक्वेशंस और वैल्यू तक, वो भी अभी तक बुकलेट हमने किया नहीं है, मैंने उसे कुछ सम्स कराए, तो संडे को अपने वो करेंगे, संडे को जो अपने 5 घंटा जो बैठ रहे हैं उसमें अपने को क्या करना है पहले समझो, संडे को करेंगे बुकलेट, और इसमें भी अपना मोटा मोटी सब चीज खत्म है कंटिजेंसीज का बेसिक्स में, लेफ्ट ओवर टॉपिक्स में आई नीड, जैसे मेरे को आपको ये बताना है सेलेक्ट मोर्टेलिटी, वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत एमेथली वाला बताऊंगा और सेलेक्ट मोर्टेलिटी बताऊंगा और यूडीडी सीएफएम, तो हार्डली इट विल टेक 1 आवर, ओके, एंड इट इज मोस्टली सम बेस्ड ओनली, तो रिविजन नोट संग संग करते ही जाएंगे, इसीलिए संडे को 2 बजे, ठीक है, और कल सब लोग 10 बजे आ जाओ, कल मैं अपना CM2 कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो कल खाली आप लोग को ही पढ़ाना है, संडे को है, संडे को है, संडे को सब पढ़ा दूंगा, फिर 1 घंटा टेस्ट होगा, तो क्या हुआ, मैरिनेट हो जाएगा ना टेस्ट के लिए, सम्स तो को 2 दिन मैरिनेट तो हो ही रहे, मिलाना ही तो है, ठीक है, किसका क्यों उसका लेंगे, अरे पहले का तो सब रिवाइज ही हो रहा है, डरना नहीं है ना, डरना क्या चीज का है, डरना क्या चीज का है, ठीक है, चलो थैंक यू, वीडियो अपलोड नहीं होगा सर।